दूसरे ओडीआई में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने तहलका मचाया। 99% जीता हुआ मैच बल्लेबाजों ने हराया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता हुआ मैच, इस वजह से हारी टीम पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले आप भी पाकिस्तान के इस हार का गुनहगार किसे मानते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला कराची में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम का स्कोर 2 रनों पर पहुंचा था कि फिन एलन को नसीम शाह ने चलता कर दिया। इसके बाद डेवन कानवे और केन विलियमसन के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली। डेवन कानवे ने इसी बीच अपना शतक पूरा किया। हालांकि नसीम शाह ने 101 रन के स्कोर पर डेवन कानवे को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कप्तान केन विलियमसन 85 रन बना सके, जबकि न्यूजीलैंड की ओर से निचले क्रम में मिचेल सेंटनर ने 37 रन बनाए। इसके अलावा न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। न्यूजीलैंड की टीम 49.5 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 261 रन ही बना सकी। बात करें अगर पाकिस्तान के गेंदबाजों की, तो पाकिस्तान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद रवाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा नसीम शाह को 3, जबकि उसामा मीर और हरीश राव को 1-1 सफलता मिली। 262 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान को जल्द ही 2 बड़े झटके लगे। पहले तो फकर जमा 0 और फिर इमामुल्लाह 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय पाकिस्तान का स्कोर 9 रन पर 2 विकेट था। हालांकि इसके बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद रिजवान भी 28 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। इसके बाद एक तरफ जहां बाबर आजम 30 पर डटे थे, तो वहीं दूसरी ओर लगातार विकेट गिर रहे थे। हरीश सोहेल 10, आगा सलमान 25, मोहम्मद नवाज 3, उसामा मीर 12, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर 10 रन बना सके। इसके बाद कप्तान बाबर आजम ने 8 शतक पूरा किया। हालांकि वो भी 79 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हो गए और पाकिस्तान के इस मुकाबले में जीतने की उम्मीदें खत्म हो गई। पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में ही 182 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हालांकि पाकिस्तान के इस मुकाबले में हार की सबसे बड़ी वजह बल्लेबाजों को माना जा रहा है। बल्लेबाजों ने काफी धीमी बल्लेबाजी की, जिस वजह से कप्तान बाबर आजम के ऊपर पूरा प्रेशर आ गया और आखिरकार वो आउट हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।